नमस्ते, मैं हूँ बाल रोहतगी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड इवेंट्स ऑफ बाबरी मस्जिद एंड राम जन्मभूमि अयोध्या डिस्प्यूट सिनेरियो. सी, इन 1528 CE, Mir Baqi, on the orders of Mughal Emperor Babur, created and constructed Babri Masjid on a location that was on the hill known as Ram Kot. ये लोकेशन पे पहले ऑब्वियसली देर वॉज अ स्ट्रक्चर दैट वॉज मार्किंग द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम एज क्लेम्ड बाय द हिंदू कम्युनिटी. बट हम सबको पता है कि मुगल रूलर्स हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके अपना मस्जिद कंस्ट्रक्ट करते हुए आ रहे हैं ओवर हिस्ट्री. बट ऑब्वियसली हिंदू कन्वर्ट्स को शायद ये बात याद नहीं रहती क्योंकि वो सिर्फ अपना बैंक बैलेंस देखते हैं, उनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है. दे आर हिंदू कन्वर्ट्स. इस टाइम पे जब ये मस्जिद का निर्माण किया गया था तब 5000 हिंदुओं की मौत हो गई थी हु हैड डाइड ट्राइंग टू डिफेंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मस्जिद. 1859 में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर इरेक्टेड फेंस टू सेपरेट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप विद द इनर कोर्ट टू बी यूज्ड बाय द मुस्लिम्स एंड द आउटर कोर्ट टू बी यूज्ड बाय द हिंदूज. 1885 में जन्म स्थान सूट ऑफ महंत रघुबाड़ास सीकिंग द परमिशन टू बिल्ड अ टेम्पल ओवर द चबूतरा दैट इज द आउटसाइड एरिया वॉज डिनाइड एंड डिसमिस्ड. 1934 में कम्युनल राइट्स ट्रिगर हो गए थे बाय द न्यूज ऑफ काउ स्लॉटर. तो मतलब ये 1934 से काउ स्लॉटर करते हुए आ रहे हैं और हिंदुओं की गौ माता का को मारते हुए आ रहे हैं और हिंदुओं को प्रोवोक करते हुए आ रहे हैं. सो इन 1934 द कम्युनल राइट्स ट्रिगर्ड बाय काउ स्लॉटर इन शाहजहानपुर डैमेजेस द मॉस्क. इन 1944 कमिश्नर ऑफ वाकफ्स डिक्लेयर्स द लैंड टू बी सुन्नीज प्रॉपर्टी एज बाबर देयर मुगल रूलर बाबर वॉज अ सुन्नी. इन 1949 राम आइडल अपियर्स इनसाइड द मॉस्क. Muslims complain and file a suit. Hindus file a counter suit and government declares that land to be disputed and locks the gate. क्या कर सकती है government? 1950-59 में Hindu priest files a number of suit in the next 9 years demanding the right to perform puja. And उस time पे Nirmohi Akhara also files a suit to control the site in 1959. अब 1964 में विश्व हिंदू परिषद फॉर्म होता है टू सेफगार्ड द हिंदू इंटरेस्ट. 1984 पार्लियामेंट की इलेक्शंस जो होती है बिकॉज इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है, वो एक तरफा इलेक्शन में कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है. उस टाइम पे ऑब्वियसली बीजेपी हैज़ नो होल्ड, इट इज जस्ट रिड्यूस्ड टू 2 लोकसभा सीट्स. 1984 में हिंदू आउटफिट्स form a committee to liberate the birthplace of Lord Ram and build a temple in his memory, in his honor obviously. 1986 mein the gates of the disputed mosque are opened to allow the Hindus to worship there. Babri Masjid Action Committee set up by protesters because of this court order. 1989 mein Vishw Hindu Parishad steps up the campaign laying the foundation of Ram temple on the land adjacent to the disputed mosque. 1989 में VP Singh की government आती है जो obviously has support from BJP and CPIM from outside. Soon after the VP Singh expresses the desire to implement the Mandal Commission for the other backward class quotas. 1990 में लाल कृष्ण अडवाणी जी की रथ यात्रा शुरू होती है फ्रॉम सोमनाथ ऑन सेप्टेम्बर 25th, मगर अक्टूबर 23rd को 1990 में लालू प्रसाद यादव अरेस्ट अडवाणी जी एंड स्टॉप्स द रथ यात्रा. पुलिस फायर करती है एट विश्व हिंदू परिषद कर सेवक एंड वो ऑब्वियसली एरिया डिस्प्यूटेड एरिया कंसिडर की जाती है बाय नवम्बर 10th. वीपी सिंह लूजेज द कॉन्फिडेंस वोट एंड रिजाइंस. उसके बाद ऑब्वियसली चंद्रशेखर पावर में आते हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद कांग्रेस सपोर्ट. तो आपको याद रखना चाहिए कि वी हैव टू ट्रेड द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद इशू वेरी केयरफुली एंड नो गवर्नमेंट कैन
get involved in it directly, because अगर वो involved होती है तो obviously ये Congress victim card play करेंगे, जैसे हमारी देश की feminist play करती है, and we don't want them to play the victim card and come back into power. तो बहुत सही हो रहा है जो हो रहा है in terms of the decision रिगार्डिंग राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद इश्यू. अभी एक मीडिएशन पैनल रखी गई है, बिकॉज वन हैज टू प्ले द गेम द वे द प्लेयर्स प्ले. इसके अलावा 1990-91 में बीजेपी ने 4 स्टेट्स जीते थे, MP, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड UP. 1992 में कर सेवक्स ने डिमोलिश किया था मॉस्क, क्योंकि वो यूपी में भी बीजेपी की सरकार थी. उस टाइम पे द CM कल्याण सिंह को रिजाइन करना पड़ा, एंड अडवाणी, उमा भारती एंड MM जोशी वर चार्ज शीटेड. 1992 में प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव ने 4 बीजेपी की गवर्नमेंट जो ऑब्वियसली इन स्टेट्स में थी उनको डिसमिस कर दिया इन द वेक ऑफ बाबरी मस्जिद डिमोलिशन बाय बीजेपी. तो ये एक्शंस लिया गया था, एंड PV नरसिम्हा राव वॉज द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम कांग्रेस. तो आपको हरदम समझना चाहिए कि कांग्रेस हैज नेवर बीन सपोर्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर, बट दे हैव बीन प्लेइंग बाय द बुक्स एंड दीज गाइज हैव बीन प्लेइंग विद इमोशन, इसलिए बार बार फंस जाते हैं. बट नाउ वी हैव टू प्ले बाय द बुक्स बिकॉज वी नो हाउ द ऑपोजिशन थिंक्स. 1992 में लिब्रहन कमीशन फॉर्म करी गई थी टू लुक एट द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद. 1992-93 में कम्युनल राइट्स भी हुए थे पूरे बॉम्बे में, बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे, एंड ऑब्वियसली हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल वर किल्ड. 2002 में PM AB वाजपेयी ने सेटअप किया था अपना एक सेल अपने ऑफिस के अंदर, एंड अपॉइंट किया था शत्रुघ्न सिन्हा को. येस, द सेम शत्रुघ्न सिन्हा जो बीजेपी छोड़ के अभी राहुल गांधी जी के साथ फोटो खिंचाते हैं, टू फाइंड अ सोल्यूशन बाय टॉकिंग टू द हिंदूज एंड मुस्लिम्स. ये वाजपेयी जी ने करने की कोशिश करी थी 2002 में, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी शत्रुघ्न सिन्हा. 2002 में कम्युनल रायट्स ब्रेकआउट हुए थे इन गुजरात, दैट वॉज द गोधरा ट्रेन अटैक. 2003 में ASI ने कोर्ट हियरिंग स्टार्ट करी थी टू फाइंड आउट इफ राम टेम्पल एक्चुअली एग्जिस्टेड एट दैट साइट. 2004 में UP कोर्ट रिवर्सेस द अर्लियर ऑर्डर एग्जोनरेटिंग अडवाणी फ्रॉम हिज एलेज्ड रोल इन द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद. 2009 में 17 ईयर्स आफ्टर बींग कॉन्स्टिट्यूटेड द लिब्रहन कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट अबाउट द राम टेम्पल. 2010 में अलाहाबाद हाई कोर्ट गिव्स अ रूल दैट 1/3 पोर्शन ऑफ द साइट शुड बी गिवन ईच टू मुस्लिम्स, हिंदूज एंड निर्मोही अखाड़ा. द साइट ऑफ द मॉस्क इज गिवन टू द हिंदूज. 2011 में सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड्स द रूलिंग ऑफ द हाई कोर्ट, अलाहाबाद हाई कोर्ट सस्पेंड्स द रूलिंग ऑफ द अलाहाबाद हाई कोर्ट, एंड उसके बाद ऑब्वियसली द हिंदूज एंड द मुस्लिम ग्रुप्स री अपील. 2014 में बीजेपी की सरकार आती है एज प्रेजिडेंट नरेंद्र मोदी विथ 336 सीट्स विनिंग. 2017 में सुप्रीम कोर्ट बोलती है द चार्जेस अगेंस्ट अडवाणी कैन नॉट बी ड्रॉप्ड. 2017 अप्रैल 19 में सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंसेस इज वर्डिक्ट चार्जिंग द बीजेपी लीडर्स विद क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी. और ये लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज वर्किंग अंडर मोदी. इफ सुप्रीम कोर्ट इज वर्किंग अंडर मोदी, हु ऑब्वियसली इज अ बीजेपी पार्टी गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, देन हाउ कम द सुप्रीम कोर्ट चार्ज द बीजेपी लीडर्स LK अडवाणी विद कॉन्स्पिरसी. मैं खाली पूछना चाहती हूँ, दिस इज स्टिल एंड डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया, एंड द इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑफ हूएवर इज द प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर. बट ऑब्वियसली ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स तो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाते हैं, और यही उनका मॉडस ऑपरेंडी है. अब 2017 में RSS का चीफ जो है मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा था कि राम टेम्पल बिल्ड होगा एट द डिस्प्यूटेड साइट, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है. 2018 में आफ्टर मल्टीपल हियरिंग्स द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द मैटर टू बी हर्ड इन जनवरी 2019 बिफोर एन अप्रोप्रिएट बेंच, बट अभी तक कोई डेट नहीं आई है इन टर्म्स ऑफ
that you know, Ram Janmabhoomi. Just we know that a mediation panel has been appointed comprising of Shri Shri Ravi Shankar ji and two other people. I don't remember the name, but that is the only update that has come, that a mediation panel has been appointed and mediation has to happen in front of the camera so that this whole democratic country can see exactly who is talking what and who actually wants Ram Mandir to be made in Ayodhya and who does not want Ram Mandir to be made in Ayodhya. Namaskar.